जय हिंद साथियों। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ के बाद तबीयत खराब होने पर मध्य प्रदेश का लाल माँ भारती की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। सीआरपीएफ के जवान शहीद मोहर सिंह तोमर का पार्थिव शरीर रविवार की सुबह मध्य प्रदेश पहुंचा, जहां से उनके गृह जिले भिंड के अटेर इलाके के रोहिंदा गांव ले जाया गया। उनके पैतृक गांव में शहीद जवान का सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। जानकारी के अनुसार भिंड चंबल जिले के लाल सीआरपीएफ के मोहर सिंह तोमर 47 वर्षीय अमरनाथ में ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि इससे पहले वे आतंकी मुठभेड़ में दुश्मनों से जमकर मुकाबला किया था। मुठभेड़ के बाद वापस पहुंचने पर उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कल रात में परिजनों को उनके शहीद होने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं गाँव के बेटे के शहीद होने की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। शहीद मोहर सिंह ने मार्च 1993 में नौकरी ज्वाइन की थी। उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी है। दूसरे नंबर का बेटा भी देश सेवा में तैनात है। साल 1992 में मोहर सिंह की शादी हुई थी। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान मोहर सिंह तोमर जी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।